हेलो फ्रेंड्स, वी आर ऑन द वे टू आभा। वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी एट 8:30 मॉर्निंग। थोड़ा सा लेट हो गया, जो प्लान था 7:30 निकलने का उससे एक घंटा लेट हो गया, बिकॉज असलान के दांत पे थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो गया था। और अभी हम लोग ऑन द वे हैं, 9 बज रहा है। हाफ एन आवर की जर्नी हमने स्टार्ट करी है, बिकॉज सिटी था तो सिटी में हमने शूट नहीं किया, एंड नाउ वी आर आउट ऑफ सिटी एंड ऑन द वे। और अभी हम लोग कहीं पर रुककर नाश्ता करने वाले हैं। नाश्ते का कुछ और प्लान था, बट बिकॉज ऑफ डिले हमने इडली और वड़े लिए, तो उससे ही काम चलाना पड़ेगा। अभी रुकने का एज सच कोई प्लान नहीं है, चलते चलते खाना है। आवर्स नो स्टॉप, बिकॉज टोटल अराउंड 800 किलोमीटर की जर्नी है, और अगर हमको टाइम पे पहुंचना है तो स्टॉप्स कम लेने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टॉप व्हाट वी आर ट्राइंग, कुनफुदा। कुनफुदा एक बहुत अच्छा एक सिटी है इन बिटवीन, जो वहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉर्निश है, वहाँ पे बीच है। कितने बजे पहुंचेंगे? जो वो आप तो आज हम लोग आपको, आज ही 3 दिन ना हम लोग जा रहे हैं, 2 days, 2 nights, 3 days के लिए। आप 3 days में एक पूरा दिन तो जर्नी में जाएगा, अराउंड 8 hours, 9 hours वन साइड जर्नी, सो वन फुल डे वी विल बी इन आभा। अजलान ऑलरेडी सो के अपनी जर्नी चालू कर चुका है। देखो अजलान सो रहा है, अजलान अजलान सो रहा है। अजलान के थोड़े से दांत में दर्द है, इसलिए वो रेस्ट कर रहा है। और ये पूरा 3 दिन का ब्लॉग, इसमें ज़्यादा करके फारूक की ब्लॉगिंग करने वाले गाइस, तो आप लोग बताना आप लोगों को फारूक की ब्लॉगिंग कैसी लगी। तो मैं कंटिन्यू कर, क्योंकि आप लोगों का कमेंट मैं पढ़ूंगा, बिकॉज शबनम ने बोला था कि मैं नहीं बोल सकता हूँ या मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकता हूँ, तो हाँ मैंने फारूक को बोला था तुम्हारे बस की बात नहीं है व्लॉगिंग करना, राइट। तो फारूक ने बोला नहीं, मैं भी व्लॉगिंग कर सकता हूँ, तो देखते हैं ये वाले वीडियो पे कितने कमेंट आते हैं और कितने व्यूज आते हैं, राइट। और अगर अच्छे कमेंट और अच्छे व्यूज आए तो फारूक भी अपने चैनल ओपन करने वाले हो। कर सकते हैं। तो फिर अभी हम लोग थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं, फारूक मिलेंगे आपको आगे के वीडियो। तो जब तक के लिए बाय। बोलो आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए। हेलो, वेलकम बैक। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स की जर्नी कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे एक छोटा सिटी है लेथ। सो स्टिल कुनफुदा के लिए अराउंड 150 किलोमीटर्स और बाकी हैं, और अराउंड 1 hour, 1.5 hours और हम लोगों की ड्राइव बाकी है। तो लेट्स सी, अगेन एट कुनफुदा। अभी बट यहाँ पर आपने नोटिस किया फारूक, यहाँ पर अभी वो ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है, अभी थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज लग रहा है ऑफ कोर्स, और लेट्स सी, आई थिंक एक्सपेक्टिंग कि आभा में और अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए। अजलान यहाँ पर उठ गया है, देखो अजलान।
से हाय हाय हेलो गाइस, ऐसा कुछ तो बोलो यार। तो हम लोग थोड़ा सा नाश्ता कर रहे हैं गाइस। ये देखो सैंडविचेस, ब्रेड एंड बटर एक्चुअली। हेलो एवरीवन, सो बज गए हैं 12:30 आफ्टरनून 12:30, और हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे पहले स्टॉप पे विच इज कुनफुदा। कुनफुदा का बीच काफ़ी अच्छा था एंड थोड़ा सा ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, काफ़ी अच्छा लगा। एंड अब हम लोग जा रहे हैं अलबेग, अलबेग से हम लोग लेंगे हमारा लंच। एंड ऑन द वे में काफ़ी बीचेस हैं रास्ते में, सो वी विल मूव फ्रॉम द सिटी और उसके बाद में हम लोग खाएंगे। दीज आर द डुप्लेक्स, आई थिंक दीज आर द रिजॉर्ट रूम्स विच आर यू नो सी फेसिंग। We will see, we will inquire, maybe we can plan only a small picnic to Kunfuda sometime later. It's a very small city but very well planned and made. The birds, there was very rare birds we have seen, काफी अच्छा था। लोगों ने लंच फिनिश किया मैकडोनल्ड में, अजलान को बर्गर हैप्पी मील चाहिए था, तो फिर हम लोग ने मैकडोनल्ड में ही हमारा भी लंच किया बर्गर खा के। और अब हम लोग मूव कर रहे हैं टूवर्ड आभा, विच इज़ स्टिल अराउंड 350 किलोमीटर के करीब बाकी है। प्रॉब्ली आफ्टर 1.5 आवर हम लोग एक स्टे करेंगे अलबिर्क में, और बाहर बहुत बहुत ही ज्यादा गर्मी है। एक बज रहा है दोपहर का, जो सुबह हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो क्लाइमेट वाज वेरी नाइस, अब गर्म हो गया बाहर। वो आभा में अच्छा होगा क्लाइमेट ना, आभा में होप अच्छा हो सकता है क्लाइमेट, पता नहीं बड़ा। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं कुनफुदा से। अच्छा एक्सपीरियंस था कुनफुदा में, एक छोटा सिटी है, इट इज वेरी नाइस। तो वी विल कनेक्ट यू अगेन, और आप लोगों को फारूक की ब्लॉगिंग कैसी लग रही है वो भी कमेंट में जरूर बताना। पॉजिटिव कमेंट्स आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी लेट्स सी, अजलान काफी साइलेंट है, लेट्स यू नो कनेक्ट। अजलान कुछ बोलो। हेलो गाइस, Azlan is enjoying McDonald's. Don't eat because we are going to a long trip. Okay, say bye. Bye. तो almost 5.5 hours हो चुका है, लोग still अभी 3 घंटे की journey बाकी है। Climate में काफी change रहा है, बहुत क्लाउडी सा क्लाइमेट है, काफी
वनडे का मेरा इतना कोई लॉन्ग ट्रिप नहीं होगा क्योंकि मैंने मदीना में अब तक सिंगल डे में किया है अप्रॉक्सीमेटली 400-800 आवर्स, बट वन वे का ये मेरा इट इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट किलोमीटर। अजलान की बैटरी डाउन हो चुकी है, पाँच घंटे से मुझे फारूक बोल रहे थे अभी आएगा और ये फाइनली अब आ गया है। तो यहाँ पर रोड है और यहाँ पर बीच है, ये आप देख सकते हैं यहाँ हमारी कार चल रही है और ये यहाँ पर बीच है। सो गाइज ये हम लोग माउंटेन पे चढ़ रहे हैं और यहाँ पर बीच है, रॉक है ना, हाँ रॉक्स है यहाँ पर। और ये देखो, जाओ डैडी के पीछे पीछे जाओ, संभाल थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर लॉन्ग रूट लिया है क्योंकि
जो व्यू आ रहा है इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप लोगों को यहाँ पे शमनम दिखाएगी तो ये एक व्यू है जो काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज प्रॉबली कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, बट यू कैन सी द क्लाउडी क्लाइमेट। तो इसका हम लोगों ने सेपरेट भी जो वीडियो इसमें डाला है तो आप लोग बताना कैसा लगा। और अभी तक तो जो हम लोगों ने ट्रैवल किया है इट वाज मिक्स ऑफ डिफरेंट लोकेशन, तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये तो हम लोग एपिसोड्स में डालेंगे क्योंकि बहुत लंबा जर्नी था, तो प्रॉबली थोड़ा सा पार्ट्स में आएगा, बिकॉज काफ़ी लंबा वीडियो नहीं तो हो सकता है, देखेंगे।